धौलपुर जिले के गोरखपुर थाने में हुए नाली विवाद में पति के बाद गुरुवार को पत्नी की भी मौत हो गई। विवाद के बाद घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर चौकी अंतर्गत साई नगर में बीते दिनों हुए मामूली विवाद में विजय कुशवाहा की मौत हो गई थी। वहीं विजय कुशवाहा की पत्नी नीलम कुशवाहा भी इस हमले में घायल हो गई थी, जिसके बाद नीलम की मौत भी इलाज के दौरान गुरुवार को हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर सही समय रहते आरोपियों पर कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मामूली नाली विवाद पर इस हत्याकांड के पहले पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बावजूद भी पुलिस द्वारा आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ता गया और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वहीं परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। थोड़ी सी विवाद के कारण ये सब हुआ है और अभी आज 10 दिन हो गए हैं, जिसके आज इनकी दूसरी हमारी बहू भी ख़त्म हो गई हैं, नीलम कुशवाहा, और उनके मिसेस का नाम है विजय कुशवाहा। इन दोनों का देहांत होने के बाद भी आज 10 दिन हो गए हैं, आज तक अभी कोई अपराधी एक तो भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, और पूरे साईनगर बस्ती में यही हाल है कि कोई अपने 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकला।